टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। उठ जा अपनी राख से, तो उठ जा अब तलाश में, परवाज़ एक परवाने की आसमा भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाड़ा लाला तुझे ना मिल पाएगा। अरे भाई, राहुल जैसा शाड़ा लाला तुझे ना मिल पाएगा। अपना टाइम आएगा, नंगे आई आए हैं घंटा लेके जाएगा। असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को, यो हिंदुस्तान को, यो हिंदुस्तान को। गली बॉय का रिलीज है दोस्तों, और मैं पहुंचा हूं आज एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में, जहां पर फ्राइडे तो नहीं है आज, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो की ऑडियंस से मैं जानूंगा कि गली बॉय कैसी लग रही है, अपने रणवीर बाबा ने मचाया कि नहीं मचाया, आलिया कैसा काम करके आई है। सारी ये बातें मैं राहुल भोज लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में। तो चलिए जानते हैं कैसी लगी यार फिल्म गली बॉय। बहुत 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 अच्छी, सबको जाके जरूर 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 देखना चाहिए। इतनी जबरदस्त मूवी है, इतनी इंस्पिरेशनल मूवी है, फाड़ के रख दिए, फाड़ के हर एक पर्सन, हर एक इंसान को जाके गली बॉय देखनी चाहिए, फाड़ के रख दी है। अपने टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था कि घंटा लेके जाएगा। एक सेकंड रुको, रणवीर सिंह आलिया भट्ट बहुत जबरदस्त, रणवीर सिंह की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। दिमाग खराब हो गया, अब जाके बस कुछ करना है। जोया अख्तर का डायरेक्शन एक नंबर, एक नंबर डायरेक्शन, इस तरह का डायरेक्शन कभी नहीं देखने को मिला। सबसे तू नंगा ही तो आया था कि घंटा लेकर जाएगा। सब जबरदस्त था भाई, रणवीर सिंह आलिया भट्ट मूवी स्क्रिप्ट, ये वो गाने वाने, रैप साप दड़प, जबरदस्त था भाई। आउट ऑफ फाइव कितने स्टार? फाइव। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तो उठ जा अब तलाश में, परवाज़ एक परवाने की आसमा भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाड़ा लाला तुझे ना मिल पाएगा। अरे भाई, राहुल जैसा शाड़ा लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़िया पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्तियों को चीनेंगे हम, कामयाबी चीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में क्यों। अरे भाई, अपना टाइम आ गया है, मचा रही है भाई, मचा रही है, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। कैसी लगी फिल्म यार? भाई जोरदार, जोरदार, क्या बात है। जाके देखो भाई, कोई प्लान वैन मत रखो, वैलेंटाइन वैलेंटाइन सब छोड़ो। गली बॉय देखो, अपना भाई मचा रहा है। ओके, अगर मैं बात करूँ आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस की, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की, क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स रणवीर का आपने बता ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, रणवीर सिंह का काम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया काम दिया है। और आलिया भट्ट जब जब स्क्रीन पे आई है ना, मतलब नज़र ही नहीं हटती है, पूरा मतलब डोमिनेटिंग है स्क्रीन पे वो, और बहुत अच्छा काम है। आप ये पिक्चर मतलब सोचे मत भाई, बुक करो अभी के अभी, टिकट नहीं मिलेगी, जाओ देखे हो। द न्यू गाय सिद्धांत, जो कि रणवीर को बोलता है कि तू आ इसमें रैपिंग कर, यार वो बहुत सही बंदा है। मतलब जो अभी गाना था मेरी गली में, मतलब उसमें मेरे को ऐसा लगा कि रणवीर सिंह से ज़्यादा वो ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। एग्जैक्टली, बहुत सही, मतलब वो था सही भाई। और जो भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, मतलब ऐसा नहीं है पिक्चर आपको इमोशन इतना ट्रिगर करेगी, मतलब और कुछ कुछ मोमेंट्स आप मिस ही नहीं कर सकते भाई। ये पिक्चर जाओ देखो, मस्ट वॉच है भाई, मस्ट वॉच। रेटिंग वेटिंग छोड़ो, बहुत बढ़िया पिक्चर है, मस्ट वॉच है। ज़ोया अख्तर, आफ्टर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, वेरी अनएक्सपेक्टेड यार, रियली वेरी अनएक्सपेक्टेड फील ज़ोया अख्तर का है, जैसे वो अपनी मूवीज़ में दिखाती है, पर इस बार इन्होंने ऐसी कहानी चुनी है जो बताना ज़रूरी था कहीं ना कहीं, मुझे भी लगता है। पर बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, लोग जाके देखो, ज़्यादा मत सोचो बस। थैंक यू सो मच। स्टार्स बोलोगे क्या, पांच में से? भाई कितने स्टार, ये मूवी स्टार के लायक नहीं है, पर मेरे पाँच ही है, इसमें कोई कमी थी नहीं पिक्चर में कोई भी, थोड़ी लंबी है बट मज़ा आएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, यस। कैसी लगी? बहुत बहुत तोड़ू लगी, बहुत तोड़ू लगी मुझे मूवी। मैं फर्स्ट शो देखने, पहली बार कोई मूवी का फर्स्ट शो देखने आई हूँ, 7:30 बजे, आई नो, वो भी थाने से आई हूँ मैं। और क्या, यस यस, तो मेरे सब फ्रेंड्स यहाँ पे रहते तो मुझे आना पड़ता है, बट इट वॉज रियली नाइस, आई एंजॉयड इट। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसी निकली, पहली बार ये साल में एक मूवी जिसका ट्रेलर देख के एक्सपेक्ट किया और वैसी ही निकली, तो इट्स रियली नाइस, मस्ट वॉच। मतलब वैलेंटाइन बन गया? अच्छा, यस यस, हो गया वैलेंटाइन, क्या फ्रेंड्स कहता हूँ, मूवी देख लो बन जाएगा वैलेंटाइन। जो भी सिंगल्स है प्लीज गो फॉर मूवी, और जो डबल्स भी है चलेगा, तुम डेट करो आ जाओ मूवी देख लो आज।
आलिया भट्ट और रणवीर सिंह, हमने हमें वो MMT के ट्रेलर्स में देखा था, उनके एड्स में देखा था, इसमें पर्टिकुलरली देख रहे हैं क्या कहना है? बहुत तोड़ो केमिस्ट्री है उनकी, बहुत अच्छी है। आलिया एंड रणवीर बोनो ने बहुत अच्छा किया, एंड MC शेर जिसने किया है, सुशांत आई थिंक और सिद्धांत बहुत अच्छा किया उन्होंने। रैपिंग की बात करें, अंडरग्राउंड रैपिंग क्या लगता है कि कितना भविष्य है उसका अभी, इस क्योंकि पूरी फोकस उसी में है। ऑब्वियसली आई थिंक उसको लेके, उसको हाईलाइट करने के लिए मूवी निकाली है, तो ऑब्वियसली नाउ पीपल विल फॉलो एंड गूगल एंड यूट्यूब पर जाके देखेंगे कि एक्चुअली कौन कौन है ऐसे रैप स्टार्स। ओके एंड व्हाट इज योर टेक ऑन ज़ोया अख्तर डायरेक्शन? वेरी नाइस है, ज़ोया अख्तर के लिए मैं बोलूँगी 4 stars, उनकी तो मूवी है। यस हाँ, पूरा आप जाके देखिए मूवी, आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छी मूवी है। रिकमेंड करेंगे? यस डेफिनेटली, बोल दीजिए एक बार, प्लीज गो एंड वॉच। यस सब लोग गली बॉय। यस थैंक यू सो मच, अपना टाइम आएगा या अपना टाइम आएगा, जब तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। कैसी लगी दोस्त फिल्म, क्या कहना चाहते हो? सुबह सुबह 7:30 बजे आ रहे हो आप, बहुत आर्ट यार, बहुत प्यारी मूवी यार। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठ के पार्टी से यहाँ डायरेक्ट घुस के आ गए, एंड लाइक मूवी ने पूरा नींद उड़ा दिया यार, मतलब बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी मूवी, ऑसम। ज़ोया अख्तर का डायरेक्शन है, ज़ोया अख्तर ज़्यादातर वो सोफिस्टिकेटेड फिल्म्स लाती हैं, जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल धड़कने दो, इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, व्हाट यू वांट टू से? एक्चुअली अगर देखोगे ना आप डायरेक्शन, ऐसा मतलब लगेगा नहीं कि आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हो, आप हर एक चीज़ को फील कर पाओगे, लिटरली फील कर पाओगे, तो मतलब बहुत अच्छा था, तारीफ करने लायक नहीं, बहुत बहुत ऑसम था, बहुत ऑसम। रणवीर सिंह, आलिया, आलिया भट्ट लाइक ये और रणवीर सिंह तो उठते जा रहे, उठते जा रहे, उठते जा रहे। वो एक न्यू बॉय आया इसमें सिद्धांत, उनका काम कैसा? हाँ सिद्धांत तो बहुत MC से बहुत 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 अच्छा काम किया, ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने मतलब एक्टिंग किया, ऐसा लग रहा था बहुत नेचुरली वो कैमरे पे दिख रहे थे, बहुत बहुत प्यारा काम था सबका। विजयराज जी, सबका बहुत प्यारा, मैं ऐसे किसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, आलिया भट्ट बस फेवरेट थी, बाकी आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सब ने बहुत प्यारा काम किया है। आउट ऑफ 5, 15। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना टाइम आएगा? बिल्कुल आएगा, आ गया है। बहुत अच्छी थी, रणवीर सिंह ने बहुत मेहनत की है और वो दिखा है, एंड उसने जो मैसेज दिया है वो भी काफ़ी लोगों तक पहुंचा है, एटलीस्ट मुझे पहुंचा है, एंड आई रियली लव्ड हिज वर्क। व्हाट यू वांट टू से अबाउट ज़ोया अख्तर डायरेक्शन, बिकॉज ज़ोया जनरली जो फिल्म बनाती है जैसे दिल धड़कने दो या फिर कह सकते हैं ये गल्ला गोरियां वाली, अच्छी है, मतलब ऑलवेज उसकी हर मूवी में एक मैसेज होता है, एंड ये मूवी में भी एक मैसेज है, जो बहुत अच्छी कास्टिंग की है, एंड रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, जस्टिफाई किया है रोल को उसने। हाँ, व्हाट अबाउट आलिया भट्ट? आलिया भट्ट हैज डन गुड, इट वाज वेरी नाइस, उसने अच्छी एक्टिंग किया। देयर इज अ न्यू बॉय कॉल्ड सिद्धांत चतुर्वेदी, जिसने रणवीर को रैपिंग वैपिंग सिखाई, यस ही इज आल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेब्यूटेंट फिल्म है उसकी, ऐसा लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, डेब्यूटेंट फिल्म है, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। योर फेवरेट सॉन्ग? अपना टाइम आएगा। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार? 4। सर एक नंबर, क्या टोपी पहन रहे है बॉस। एक नंबर, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अमेजिंग मूवी, आई थिंक ये इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी है, आई जस्ट लव द मूवी। और ज़ोया अख्तर का सोचा था कि काफ़ी इंटेंस मूवी होगी, और जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है वो कैरेक्टर को, कि कितना वनरेबल दिखाया है और कैसे वो एक बहुत ही सिंपल से फैमिली से आता है और कैसे रैपर बन जाता है, सो इट इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट इसकी मूवी की। और इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, तो और भी ज़्यादा ग्रिपिंग लगी जी। सर गानों की बात करूँ, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, चाहे वो मेरी गली में हो या अपना टाइम आएगा, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अपनी टोपी हिलाते हिलाते। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम। बहुत सारे गाने, आई थिंक अराउंड 6 to 7 सॉन्ग्स हैव बीन सॉन्ग बाय रणवीर सिंह, सो उनकी एनर्जी तो है ही फिनोमिनल, बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही हैज सॉन्ग सो मेनी सॉन्ग्स, एंड यू नो एज अ रैपर दैट इज़ यू नो रियली कमांडेबल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एज एन एक्टर तो उन्होंने अपना प्रूव किया ही है, बट एज अ सिंगर भी प्रूव कर दिया कि वो नंबर वन है, तो बहुत बहुत मज़ा आया मूवी देख के। और उसके साथ आलिया भट्ट, आई थिंक व्हाट अ वंडरफुल केमिस्ट्री, यू नो नेवर थॉट कि इतना अच्छे दोनों की केमिस्ट्री होगी, बट मेन थिंग इज़ द स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, कि कैसे स्लम से यू नो ऑल काइंड ऑफ सोशल परसेप्शंस एंड सोसाइटल प्रेशर्स, और कैसे उससे उभर के, जो प्रेजुडिसेस से उभर के ये बंदा एक रैपर बनता है, सक्सेसफुल रैपर, तो वो रियल लाइफ स्टोरी, इट इज़ रिलेटेबल बिकॉज ऑफ दैट। सर इसमें एक सिद्धांत चतुर्वेदी करके लड़के ने डेब्यू किया है, उनका काम कैसा लगा? क्योंकि
वो सिखाते हैं एम सी शेर जो बने जी जी जी, वो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं इसमें कि अगर आप अपनी लाइफ से कंफर्टेबल है तो आप रैपर नहीं बन सकते, ऐसे कुछ डायलॉग एक तो हाँ उनका रोल बहुत अच्छा है। और आई थॉट कि कौन है ये एक्टर नया यू नो न्यू किड ऑन द ब्लॉक, सो उनका रोल भी काफ़ी पसंद आया। बट आई थिंक द स्टार ऑफ द मूवी इज रणवीर सिंह, आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द एक्युलेट्स, वंडरफुल परफॉर्मेंस। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4.5। एक बार अपना टाइम आएगा को गा के बता दीजिए। अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, नंगे आई आए हैं घंटा लेके जाएगा, दैट इज गुड परफेक्ट, इट्स अ रियलिटी। ये लाइन के लिए एंटायर फिल्म इज गुड, दैट व्हाट आई एम सेइंग। रणवीर सिंह ने इसमें अपनी एनर्जी कुछ पर्पस के लिए यूज की है। नॉर्मली मैं पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता हर फिल्म में, बिकॉज अननेसेसरली वो कूदम कादी करता है। इन दिस मूवी ही हैज़ यूज्ड हिज एनर्जी इन अ प्रॉपर वे, मैच्योरिटी उसके फेस एक्टिंग कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा दिखाई है। ही हैज़ टेकन डिसीजन मेनी टाइम्स विथ फुल मैच्योरिटी। दो तीन बार उसने गलती की है, खुद के एथिक्स के अगेंस्ट गया, दैट वॉज सिचुएशनली उसको कोई रास्ता नहीं था उसके पास, अदरवाइज गुड। व्हाट यू वांट टू से अबाउट आलिया? आलिया इज हैज वर्क्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी बोल्ड, बीइंग आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम गर्ल्स आर नाउ, तो मुस्लिम गर्ल्स आर मोर फॉरवर्ड, बट बीइंग अ मुस्लिम गर्ल एंड मेडिकल स्टूडेंट, उसने अपने फ्रीडम को बहुत प्रॉपरली हैंडल किया है, मिसयूज़ नहीं किया है, बिल्कुल मिसयूज़ नहीं किया, उसने अपने पेरेंट्स अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी सारी रखी है। फिल्म जोया अख्तर की है, उनका एक जॉनरा होता है चाहे वो दिल धड़कने दो हो या फिर या व्हाट यू वांट। डायरेक्शन डायरेक्शन इज़ वेरी नाइस, वेरी कैलकुलेटिव और बहुत अच्छी तरह ऑडियंस को समझाने की कोशिश की। एवरी रैप लास्ट में ठीक है कि वो बहुत फेमस हो गया ये लाइन नंगा आया है घंटा लेके, बट जो उसका फ्रेंड है उसने दो तीन जो बार एम सी शेख उसके हर एक रैप की लाइन में टू मच मीनिंग्स है, फुल ऑफ मीनिंगफुल पर्सन पीपल, यंगस्टर शुड लिसन टू दैट ऑल्सो, गो फॉर दैट ऑल्सो। ये तो थोड़ा इंटरटेनिंग था लास्ट का बट ओके मैम। एम सी शेर के किरदार में एक न्यू एक्टर आए हैं सिद्धांत अच्छा चतुर, उसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो वो थोड़ा सा कम ही लगा बट इक्वल टू रणवीर सिंह। इफ़ ई वुड हैव बीन आगे उसको अगर दिया जाएगा, ही इज़ टू कॉन्फिडेंट, पहली पिक्चर है और रणवीर सिंह के साथ और ऑपोजिट है, यू कैन कम बिकॉज वेयर इज रणवीर सिंह, बंदा एक बार सोचता है, बट ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। 5। थैंक यू सो मच मैम। लगी सर आपको गली बॉय? अच्छी लगी। क्या है अच्छा सर खास? वो रैप सॉन्ग सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। रणवीर का काम कैसा है? उसका काम भी एक्सलेंट है, एक्सलेंट है। ओके, आलिया और रणवीर दोनों अच्छे हैं और आज वैलेंटाइन डे है, लव स्टोरी सूटेबल है। सूटेबल है ओके। सर जोया अख्तर जिनकी फिल्में हम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो जैसी देख चुके हैं, इस फिल्म में उनका डायरेक्शन कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा क्या है सर बताइए ना? ये रैप सॉन्ग्स के ऊपर है सब है और अच्छी मूवी है, वो जो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। ओके। तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा। रणवीर सिंह का टाइम तो वैसे तो चल ही रहा है दोस्तों, दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया हमें बता दी है कि उन्हें फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब बारी आती है आप लोगों की प्रतिक्रिया जानने की। आप लोग कैसे बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में जाएं और मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू मुझे ज़रूर बता दें। भले आप आज देखें कल देखें परसों देखें, लेकिन डेफिनेटली देखो बॉस, क्योंकि जनता कह रही है कि मस्ट वॉच है। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बताएं और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल भोज आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन विशाल।